आकाश और मीरा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन दोनों को ही नहीं पता चला। अभी उनके रिलेशनशिप को 2 से 3 महीने ही हो चुके थे, लेकिन तभी ये बात मीरा के पापा अरविंद को पता चल गई। उसके बाद अरविंद ने आकाश की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और जैसे ही अरविंद को पता चला कि आकाश एक बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़का है, ये सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक दिन आकाश कॉलेज जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने मीरा के पापा अरविंद जी आ गए। उन्हें देखकर आकाश ने कहा, अंकल आप? अरविंद ने कहा, हाँ मैं मीरा के पापा अरविंद हूँ। आकाश ने कहा, हाँ अंकल आपको कौन नहीं जानता, शहर में काफ़ी फेमस हो आप। अरविंद ने कहा, हाँ और तुम्हारे बारे में भी मैंने बहुत सुना है अपनी बेटी से। आकाश ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। अरविंद ने कहा, तुम्हें पता है आकाश तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन क्या करूँ मीरा को तुम पसंद हो तो अब मुझे भी मानना ही पड़ेगा। अरविंद ने आगे कहा, क्योंकि बेटी की पसंद हमारी पसंद होती है। आकाश ने कहा, क्यों अंकल? अरविंद ने कहा, क्योंकि मैं अपनी बेटी मीरा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मैं वो प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। अरविंद ने आगे कहा, मैंने मीरा को बहुत लाड प्यार से पाला है। आकाश ने कहा, वाह अंकल आप बहुत प्यार करते हो मीरा से। अरविंद ने कहा, तुम्हें पता है वो जो कपड़े पहनती है वो भी ब्रांडेड होते हैं और उसके एक ड्रेस की कीमत पता है तुम्हें? आकाश ने कहा, बहुत ज़्यादा होगी अंकल। अरविंद ने कहा, हाँ इतनी ज़्यादा कि तुम जिन झोपड़ी में रहते हो ना अगर तुम उस झोपड़ी को बेच भी दोगे तो भी नहीं खरीद पाओगे। आकाश ने कहा, लेकिन अंकल ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरविंद ने कहा, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो ना बेटा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में जानना जरूरी है। अरविंद ने आगे कहा, तुम्हें पता है जब वो सुबह उठती है तो वह स्पेशल कॉफ़ी पीती है और वो सिर्फ मैं बनाता हूँ, उसे मेरे हाथ का स्पेशल ब्रेकफास्ट खाना पसंद है। आकाश अरविंद की ये कड़वी बातें सुनकर शर्म से अपना सर झुका लेता है। अरविंद ने आगे कहा, जब कॉलेज में जाना होता है तब कौन सी ड्रेस वो पहनेगी ये डिसीजन लेने के लिए उसे आधा घंटा लगता है। अरविंद ने कहा, उसके बाद जब उसे कहीं जाना होता है बाहर तो उसके सामने 10 गाड़ियां होती हैं और कौन सी गाड़ी से सफ़र करूं ये भी डिसाइड करने में उसे टाइम लगता है। इस पर आकाश ने कहा, अंकल मैं समझ गया आप मुझे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कह रहे हो ना। अरविंद ने कहा, नहीं बेटा मैं ये सब चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने बचपन से मीरा को एक रानी की तरह रखा है, उसे जो भी पसंद आता था वो सब कुछ मैंने उसे आज तक देता आया हूँ। अरविंद ने आगे कहा, अब उसने तुम्हें पसंद कर लिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ बेटा। आकाश ने कहा, लेकिन अंकल अगर आप बोलोगे तभी हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे। अरविंद ने कहा, अरे नहीं बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेटी नाराज़ हो जाएगी मुझसे और मुझे गलत समझेगी, इससे अच्छा तुम दोनों ही शादी कर लो। आकाश ने कहा, क्या शादी? अरविंद ने कहा, हाँ अब मीरा को तुम पसंद हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरविंद ने आगे कहा, आकाश तुमसे मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है, इसलिए अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो क्या तुम कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस आ सकते हो? आकाश ने कहा, हाँ जरूर अंकल। उसके बाद अरविंद वहाँ से चले गए और आकाश कॉलेज की तरफ चला गया।